हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में, और मैं हूँ विभो मिश्रा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो लेसन नंबर 10 जो कंटिन्यू है, आज हम उस लेसन में प्रैक्टिस सेट 10.2 का क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा दो क्वेश्चन हमें पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है और क्वेश्चन नंबर 7, ये दो प्रश्न हमें आज सॉल्व करना है। देखिए, बुक में आपके सामने दिखाती हूँ। इसके पहले हमने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक के सारे सवाल सॉल्व किए हैं, जो है लेक्चर नंबर 5th में, 5वें लेक्चर में। 6वां 7वां इस पे स्टार बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए स्पेशल आज आपको वीडियो बनाने वाली हूँ। तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिए, क्योंकि फ्रेंड्स, हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना कर लाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो बना लेते हैं, इसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती हूँ, ऊपर रिकॉर्डिंग रुक जाती है, किसी का मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना होता है। लेकिन फिर भी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और भी वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर तो बुक को साइड में रख देते हैं, और चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है बुक में, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि a^4 माइनस ए क्यू प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 स्टार बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है, अक्सर एग्जाम में आता है। मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि ये पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम जरूर यूनिट टेस्ट में या फिर सेमेस्टर में किसी न किसी भी एग्ज़ाम में एक बार ये जरूर प्रॉब्लम पूछ लेते हैं। तो जो है फ्रेंड्स, इसको केयरफुली देखिए। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, अलग से ये दो प्रॉब्लम के लिए अलग से बना रही हूँ, और पिछला वीडियो भी बहुत लंबा हो भी रहा था, तो इसके लिए मैंने इसको पॉज कर दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले हम क्या करेंगे, अवरोही क्रम में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, p^4, p^3, p^2, p^1, तो हमें कुछ करना नहीं है इसमें। तो वो चीज़ जो ध्यान में रखनी रहती है वो सब ऑलरेडी है। तो a^3 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 2। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे ए क्यूब है और ये पावर 4 है, तो ए से गुणा करना है। ए का जब ए क्यूब से गुणा हो जाएगा तो a^4 हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे a का -2 से जब गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा हमें, -2a, और यहाँ पे a है तो यहाँ पे लिखेंगे -2a। ठीक है, जिसके नीचे जो है इसकी घात कुछ नहीं है और इसके भी घात कुछ नहीं, तो इसके लिए इसके नीचे लिखा जा रहा है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो a^4 में से a^4 गया, 0 बचा। कौन कौन से पद बचे हुए वो लिख लेना, -a³ प्लस ए स्क्वायर, ये क्या है प्लस है और ये माइनस है, तो ज़्यादा में से कम घटाओ, ज़्यादा वाला चुन, 2a में से एक ये चला गया तो a बचेगा, प्लस a बचेगा। ठीक है, और फिर ये लास्ट में बचा प्लस 1। अब देखिए, ये माइनस ए क्यूब है और ये क्या है, प्लस ए क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 से गुणा कर देंगे। फ्रेंड्स क्या करेंगे, माइनस 1 से गुणा करेंगे तो हमें माइनस ए क्यूब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस 2 का जब माइनस 1 से गुणा होगा तो प्लस 2 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, प्लस 2। यहाँ पे प्लस 2 में कोई भी अचर पद नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और इसमें से जब इस घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। ये प्लस क्या है, ए स्क्वायर है, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा, तो यहाँ पर माइनस 1 होगा। अब देखिए, ये ए स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो ये पद जो है इससे छोटा है तो हमारा भाग नहीं जाएगा, और यहाँ भी a है और ये a क्यूब है तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो ये पूरी संक्रिया क्या है, इस संक्रिया से छोटी है, इसलिए यहाँ पर शेषफल बच जाएगा, हमारा इसमें भाग नहीं जाने वाला है, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट किया हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा स्पष्टीकरण में क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण में हम लिख लेंगे आराम से। पहला पॉइंट हमने क्या किया है, ए क्यूब माइनस 2 का किससे गुणा किया है, मल्टीप्लाई बाई ए से किया है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे बराबर करके लिखेंगे कि a^4 माइनस 2a प्राप्त हुआ है। ठीक है, दूसरा पद क्या किया हमने, ए क्यूब माइनस 2 का गुणा किससे किया है, माइनस 1 से किया है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए क्यूब प्राप्त हुआ है और प्लस 2 प्राप्त हुआ है, ये दो चीज़ें हमें मिली हुई हैं, तो वो हम लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्या मिला है वो देखना है, हमारा भागफल क्या हो जाएगा वो लिख लेंगे। भागफल बराबर हो जाएगा ए माइनस 2, और शेषफल क्या हो जाएगा, देखिए देखने में लग रहा है कि शेषफल ज़्यादा बड़ा है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1, शेषफल भागफल से बड़ा है, लेकिन फिर भी ये जो है हमारा भाजक से छोटा है, इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, सिंपल है लेकिन थोड़ा केयर करना है, इसके लिए इसको इम्पोर्टेंट किया हुआ है। अब हमारा प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम नंबर 7। तो प्रॉब्लम नंबर 7 को नेक्स्ट पेज पर करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाने वाला है।
और बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस पर भी स्टार बनाया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले ये दिया है 4x पावर 4 - 5x पावर 3 - 7x प्लस 1, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है 4x - 1 से, ठीक है। बिल्कुल डरने की बात नहीं, बहुत ही सिंपल है, बस केयर करना है आपको। अगर समझ में आया तो मज़ा आ रहा है, नहीं समझ में आया तो बहुत बड़ा पनिशमेंट है, सजा आ रहा है, बस इतना ही है। ध्यान से देखेंगे तो क्यों समझ में नहीं आएगा। देखिए ये 4x है और ये 4x पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे x घाते 3 से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे x घाते 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 ही रहेगा, तो 4x घाते 4 हो जाएगा, हाँ। और ये माइनस है तो x घाते 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x घाते 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 4x पावर 4 में से 4x पावर 4 गैस ने बचा, ज़्यादा में से कम घटाएंगे, ज़्यादा वाला चिन्ह लगाएंगे, तो 5x क्यूब में से 1x क्यूब चला गया, तो माइनस क्या है 4x क्यूब बचा, फिर -7x प्लस 1, ठीक है फ्रेंड, समझ में तो आ ही रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4x क्यूब दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, तो किसे गुणा करेंगे, अगर स्क्वायर से करेंगे तो क्यूब आ जाएगा, किससे गुणा करेंगे, तो x स्क्वायर से कीजिए गुणा, ये माइनस है तो सॉरी यहाँ पे हमें माइनस ही लेना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखनी है। तो माइनस x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, -4x क्यूब हो जाएगा, और फिर माइनस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस प्लस यहाँ, माइनस माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, 4x क्यूब में से 4x क्यूब गया, शून्य बचा। अब यहाँ पे क्या हमारा बचा है, x स्क्वायर है, -x स्क्वायर है, फिर -7x है और +1 है, ये दो चीज़ें बची हुई हैं। ये ध्यान में देनी है कि x स्क्वायर को मैंने पहले लिखा है, फिर 7x को पीछे, क्योंकि हम अवरोही क्रम में लिखना है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, क्योंकि 7x यहाँ पे ऊपर कोई x स्क्वायर की संक्रिया नहीं है, तो हमें इसको अलग अलग लिखना है और सबको लिखना है, ठीक है फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, x बटे 4 करेंगे। अब x बटे 4 क्यों करेंगे, ये आपके जहन में अगर सवाल आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए, क्योंकि x बटे जब हम 4 करेंगे तो x का जब x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, और हमें चाहिए भी क्या, हमें x स्क्वायर ही चाहिए, हमें 4 नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x बटे 4 कर देंगे, ताकि 4 से 4 कैंसिल हो जाए और हमें केवल x स्क्वायर प्राप्त हो जाए। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, जितना दिमाग आप लोग गेम खेलने में लगाते हैं बस उतना ही इसमें लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब यहाँ देखिए x 4 तो कर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त, ये माइनस है तो माइनस x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, फिर क्या होगा, x -1 में जब इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, x बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये सॉरी प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो x स्क्वायर में से x हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमें, ये भी 7x है, ये और ये x है, तो क्या हो जाएगा, तो अब आप, अब हमें क्या करना होगा, ये 7x दिया हुआ है और ये दिया हुआ है x बटे 4, दोनों की संक्रियाएं समान है, ये भी x है, इसके भी घात कुछ नहीं, इसके भी घात कुछ नहीं, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, 7x में से x बटे 4 घटा दिया है, माइनस का साइन है तो घटाना है, तो क्या करेंगे, 4 × 7 = 28x, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का होगा, तो -7 = 28x हो जाएगा, फिर 1x में गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा, इसका लस 4 हो जाएगा, तो -28x - x ऋण ऋण जुड़ जाते हैं, और साइन किसकी होती है, ऋण की होती है, तो -29x हो जाएगा और बटे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -29x/4 हमें मिल जाएगा, फिर ये +1 है तो +1 हम यहाँ पे उतार लेंगे, इसीलिए इसको इम्पॉर्टेंट मैंने बोला था, थोड़ा लंबा जाएगा ये मैंने बोला था, तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब हमें किसे 29/4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें 29x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 29 और 4 भी चाहिए, तो हम ऐसा करेंगे कि हमें 29/4 ही प्राप्त हो, तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस ही लिखेंगे, और 29/16 करेंगे, 16 क्यों करेंगे अभी बता रहे हैं, तो 29 का जब 4x में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा,
यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा 29x/4 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा 29q, क्योंकि ये माइनस है, कौन सा माइनस है, ये माइनस की साइन है और ये भी माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 29 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब आप यहाँ बोलेंगे कि 29 में जब हम 16 का गुणा किए तो कैसे हमें 4x में जब गुणा किए तो हमें कैसे यहाँ पे 29x प्राप्त हुआ, तो वही यहाँ पे देखिए मैंने किया है कि 29/16, ठीक है, जो ऊपर हमने लिखा है यहाँ पे 29/16 सॉरी गुणे 4x करेंगे तो ये 4 × 16 हो गया, ठीक है, कट गया, और 29 का जब x से गुणा करेंगे तो 29x/4 प्राप्त हुआ, तो हमारा क्या मिला 29x/4। तो वही यहाँ पर मैंने बस लिखा है, चीज़ों को आपको अलग ले जाकर समझना पड़ेगा, इसलिए माइनस 29x/4 और प्लस जब 29x/16 का एक में गुणा होगा तो प्लस ये प्राप्त होगा, ठीक है, तो ये प्लस प्लस है तो प्लस, जो माइनस माइनस है तो प्लस, इस 29x/4 में से 29x/4 गया तो शून्य हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 29, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 29/16, देखिए मैंने क्या किया है, ये नहीं है, यहाँ पे ये मैंने क्या किया, एक में से 29/16 जब घटाएंगे तो 16 × 16 और 1 × 29 = 29 माइनस 29 हो गया और इसका लस 16 हो गया, तो 16 में से 29 तो जाएगा नहीं, तो 29 में से 16 घटाएंगे और ऋण का चिन्ह लगाएंगे, तो 29 में से 16 घटेगा तो ऋण 13/16 प्राप्त होगा, तो वही यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है ऋण 13/16। तो इतने सारे स्टेप्स इसमें करने हैं हमें, तो इसका हमें हमारा जो स्पष्टीकरण है वो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखाती हूँ। स्पष्टीकरण में क्या हो जाएगा, 4x + x^3 पहला स्टेप है, बराबर कितना आ गया 4x^4 प्राप्त हुआ था, और क्या प्राप्त हुआ था, x^4x - 1 है बीच में, तो और माइनस क्या प्राप्त हुआ था, x³ प्राप्त हुआ था। फिर दूसरा स्टेप है कि किससे 4x - 1 का गुणा हुआ है मल्टीप्लाई बाई -x² से, तो क्या प्राप्त हुआ है -4x³ + x² प्राप्त हुआ है, ठीक है। और तीसरा स्टेप है हमारा 4x - 1 का गुणा हुआ है -x/4 से, तो क्या प्राप्त हुआ है -x² प्राप्त हुआ है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, अब हमें क्या करना है, भागफल लिखना है, तो भागफल बराबर हमें प्राप्त हुआ है, सबसे ऊपर जो रहता है वही भागफल है, तो भागफल ये x³ - x² - x/4 - 29/16, तो वो लिखेंगे भागफल x³ - x² - x/4 - 29/16, ये प्राप्त हो गया। और शेषफल क्या हो गया, शेषफल तो आपको पता है कि ऋण 13/16 प्राप्त हुआ था, -13/70, ये दोनों मिलाकर हमारा 16 है, ये 16 आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, पूरा वीडियो देखिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको नया फ्रेश लेसन लेकर आने वाली हूँ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।